हाँ सर, ये बोलूं? हाँ, आप आदिवासियों के बीच में हैं। इन आदिवासी दो दो प्रकार के आदिवासी हैं सर, मुझे देखें। हाँ, दो प्रकार के आदिवासी हैं, एक वो जो बिल्कुल हिंदुआइज हो गए हैं और दूसरे वो जो अभी तक जिनको प्रिमिटिव ग्रुप कहते हैं, ये वो हैं। ये बेगा लोग जो हैं वो प्रिमिटिव ग्रुप वाले हैं, बिल्कुल पिछड़े हुए हैं, उनको खेती से कोई इतना प्यार नहीं है, वो तो जंगल से ही उनका रिश्ता है और जंगल से ही रिश्ता रखना चाहते हैं। वो किसी और चीज़, उनको पैसे की नहीं ज़रूरत, कुछ नहीं ज़रूरत, उनको राजनीति में भी नहीं है। वो राजनीति की बजाय उनको अगर खुली छुट्टी दे दिया है जंगल में घूमने के लिए, वो इसी से प्रसन्न है। तो उनको तो केवल जंगल ही चाहिए, खाना नहीं मांगते, पीना मांगते हैं। पीना उनके लिए एक पवित्र पवित्र पानी है और वो पवित्रता के अनुसार ही वो पीते हैं। कुछ लोग ज़्यादा पी लेते हैं, पर असल में ये उनका पवित्र करने का एक ढंग है और वो उसी से पीने में और जंगल में रहने में और जंगल में घूमने में यही उनको पसंद आता और इसी से ही वो खुश हैं। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ये तो वोट दिलवाने वाले उनसे वोट दिलवाते हैं तो देते हैं, अगर नहीं छोड़ दो तो कभी नहीं वोट देंगे। हाँ सर, फिर ये लोग वोट क्यों देते हैं? वोट देते नहीं, दिलवाते हैं लोग, तो देने और दिलवाने में आप अंतर करिए। उनको राजनीति में कुछ आने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अधिकतर जहाँ उनकी संख्या भी ज़्यादा है वहाँ भी वो सरपंच नहीं है, तो ये राजनीति के दायरे से बिल्कुल बाहर हैं और इनको अच्छा लगता है कि स्टेट उन स्टेट से बाहर रहें और स्टेट उनके काम काज में घूमने घामने में बिल्कुल दखल ना दे। उनका केवल यही रिश्ता है जंगल से, वो जंगल में ही रहना चाहते हैं, जंगल के बाहर आना ही नहीं चाहते। ये एक बड़ा पुराना रिश्ता है, एक सभ्यता भी है, एक किस्म की सिविलाइजेशन है। तो ये जंगल की जो सिविलाइजेशन है ये बहुत पुरानी है, अपने देश की बहुत पुरानी सी, वो उसी में ही मगन है और उसी में ही रहना चाहते हैं। अब ये मॉडर्न एजुकेशन उनको आप पढ़ा रहे हैं, परंतु उनका जो उनका रहने सहने का सिस्टम है, जिसको स्टाइल ऑफ लाइफ कहेंगे, वो उनका वो बदला नहीं है। कपड़े कुपड़े बदल गए हैं, विचारधारा नहीं बदली। वो राज करना भी नहीं चाहते और राजनीति में आना भी नहीं चाहते। थैंक यू सर। यानी अगर इनको कोई लेने नहीं जाए तो ये वोट डालने भी नहीं आए? नहीं आए। हम बता रहे हैं जहाँ उनकी संख्या अधिक है वहाँ भी वो सरपंच नहीं है। कौन आके बन गया पंच सरपंच? ये दूसरे लोग हैं। और आप ये जानिए कि बेगा लोगों की संख्या कोई 5 लाख से ऊपर है, पर आज तक उनका कभी विधानसभा में आदमी नहीं आता। तो एक जगह नहीं है ना 5 लाख फैले हुए? सब इसमें है, ये मेकल हिल्स पर। अगर ये निर्वाचन आयोग या ये जो आयोग बना था बदलने वाला लिमिटेड, हाँ पर इसी में वाला, हाँ उसमें अगर ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी बना देते तो एक बेगा आता, पर इन्होंने किया ही नहीं। सरकार भी बेगा पिछड़े लोगों को अपने दायरे से बाहर रखना चाहती है, ये सबसे बड़ी कठिनाई ये है। फिर इनकी शिक्षा बहुत पुरानी करते हैं, जो पढ़ाने आते हैं उनको इनका इतिहास भी नहीं पता, तो पढ़ाना क्या है उनको? तो इनको तो हमारे ध्यान में तो अफ्रीका में कहते थे कि लोग स्टेटलेस सोसाइटीज़ हैं, ये उनमें से एक हैं स्टेटलेस सोसाइटी, जिनका स्टेट से कुछ लेना देना ही नहीं है। '1900 में एक बड़ा भारी अकाल पड़ा था हिंदुस्तान में, 1900 का अकाल बहुत बड़ा पुराना मशहूर है। उस वक्त 1900 अकाल में भी इन्होंने सरकार से कुछ लिया नहीं और जंगल में ही रहकर गुजारा कर दिया, भूख में ही। और आकर गांव से वालों से पूछा कि बेगा लोगों को क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि हम भूल गए। बेगा लोगों से पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं गए, उनका हमें तो किसी ने कहा ही नहीं आने के लिए। तो ये तो वो लोग हैं जो कठिन के कठिन समय में भी सरकार से सहायता नहीं लेते।
तो ये सरकार से ना मिले हैं, न जुलिया न सरकार से इनको कुछ लेना। ये केवल आज़ादी मांगते हैं जंगल में, और कुछ नहीं, जंगल में ही केवल आज़ादी मांगते हैं, घूमने की, खाने के आपसे कुछ मांगते नहीं, दी शिकार भी नहीं करते। सरकार उन पर कठिनाई ज़्यादा करती है, उनको सहायता कम देती है। इनको इनकी इनको समझना भी आसान नहीं है। और सरकार ने आज तक देखो 100 साल के करीब, 60 साल से ऊपर हो गया, अभी तक किसी ने इन पर पूरा पुस्तक या लेख लिखा ही नहीं, और ना ही सरकार को इससे कुछ रिश्ता है। सरकार भी अपने आप को दूर रखती है। तो आप लिख रहे हैं क्या कोई पुस्तक? हम तो पुस्तक तो ज़रूर लिखते रहते हैं, बताते रहते हैं। हम जो विश्वविद्यालय में जाते हैं तो केवल इन्हीं पर ही बताते हैं कि ये कैसे लोग हैं जो हमसे कितने ही अलहदा हैं, और फिर भी वो प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, पैसा नहीं भी है तब भी खुश हैं। तो ऐसा लोग चाहिए। और हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी वन संस्कृति तो ऐसी ही थी कि बिना मुद्रा के खुश रहना, ये उनमें से एक है। ऐसे में हम तो इनसे सीख, हमको तो इनसे सीखना है। जितना इनका ज्ञान है जंगल के लिए, जंगल के वृक्षों के लिए, जंगल के साइल के लिए, और जितने उत्पादन होता है जंगल में, जितना इनका ज्ञान है वो मेरे ध्यान में किसी के पास नहीं, और ना ही आएगा। तो इन्होंने अपनी आज़ादी को, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए लगाई है। तो ये एक नई किस्म की संस्कृति है। इस संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए और इनको रहने देना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि हम अनेकता में एकता है, तो इस अनेकता को क्यों हम तोड़ रहे हैं? पर जितने सरकार के प्रोग्राम हैं वो इसको बिल्कुल तोड़कर अपने लोगों के साथ मिलाना चाहते हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। सरकार को तो इनको इनकी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि ये तो उनसे मांगते ही कुछ नहीं। आप समझ रहे, वो कुछ भी नहीं मांगते, रुपया नहीं मांगते। वो एक कमरे में रहता है सारा परिवार जो, और वो भी बांस का है, टूट गया तो फिर बन जाएगा। तो ये ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे? आजकल के लोग हमेशा पक्के मकान बनाना चाहते हैं, इनको पक्के मकानों से कुछ रिश्ता नहीं है। ये तो खुश रहते हैं कि बांस का मकान हो, उसी में रहें, एक छोटी बाड़ी हो। और एक नई चीज़ है इनमें, हमारे गांव और इन गांव में एक फ़र्क है। हमारे गांव में एक मकान दूसरे से जुड़ा रहता है, ये अपने मकान की में बड़ी बाजू बाजू में बाड़ी होगी।